प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से भक्त बंधु महांति की सत्य कथा। स्वार्थ की नहीं जगत सबको अपनी हाय, दीन बंधु बिनु दीन की को करी सके सहाय। भक्तों, कथाएं पुरानी हैं लेकिन सच्ची हैं। हर समय में भगवान के भक्त होते हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस कथा से यही आपको सुनेंगे। उड़ीसा के याजपुर गांव में बंधु महांति का घर था। स्त्री, एक पुत्र और दो कन्याएं थीं। घर में बंधु बड़ा गरीब और बहुत संतोषी था। गांव में भीख मांगने जाता। एक दिन के काम भर को अन्न मिलते ही घर लौट आता। उसी अन्न से अतिथि सेवा होती, बच्चों को भोजन कराया जाता। कुछ बच जाता तो स्त्री पुरुष खा लेते, नहीं तो भगवान का नाम लेते हुए उपवास रह जाते। बंधु अपनी अवस्था में परम संतुष्ट था। श्री जगन्नाथ में उसकी अविचल भक्ति थी। उसके हृदय में जो आनंद का स्रोत निरंतर झरता था, वह महलों में रहने वाले संसार के विषय लोलुभ लोगों को भला स्वप्न में भी कहीं प्राप्त हो सकता है। अचानक देश में ककाल पड़ गया। खेतों में अन्न तो क्या, घास भी नहीं उगी। कुएं तालाब सूख गए। जब लोग स्वयं पेड़ों के छाल पत्ते खाकर किसी प्रकार प्राण धारण कर रहे हैं, तब भिखारी को भिक्षा कैसे मिले। बंधु का परिवार 3 दिनों से उपवास कर रहा है। बच्चों का तड़पना बिलबिलाना माता से नहीं देखा जाता। उसने पति से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर तो कोई रहा नहीं कि इस विपत्ति में उनसे कुछ सहायता मिलती, पर क्या आपके भी कोई बंधु बांधव नहीं है? यदि कोई परिचित भी हो तो उसके पास चलिए, बच्चों को 2 मुट्ठी अन्न तो मिलना चाहिए। बंधु ने कहा, देवी, इस जगत में मेरे तो और कोई मित्र परिचित या संबंधी है ही नहीं। एक ही सुलहद हैं जो परंतु यहाँ से पूरे 5 दिन के रास्ते पर रहते हैं। हम लोग उनके पास पहुँच जाएंगे तो हमारे समस्त दुखों को सदा दूर कर देंगे। उनका नाम है दीन बंधु और मुझ जैसे दीनों पर वे बड़ा स्नेह रखते हैं। स्त्री तुरंत चलने को प्रस्तुत हो गई। भूखों मरने की अपेक्षा 5 दिन का रास्ता चल लेना सुगम था। लड़के को बंधु ने कंधे पर लिया। छोटी लड़की को उसके संतान ने माता ने गोद में उठा लिया। बड़ी लड़की पैदल साथ चली। सामान तो कुछ था ही नहीं। घास पत्ते खाते हुए किसी प्रकार संध्या के समय श्री जगन्नाथपुरी पहुँच गए। सिंह द्वार पर बहुत भीड़ समझकर बंधु ने मंदिर के दक्षिण की ओर पेज नाले यानी फेन बाहर निकलने के नाले पर सबको लाकर बिठा दिया और बोले, देखो, हम लोग बड़े असमय में यहाँ आए हैं। इस समय मेरे मित्र से भेंट होना बड़ा कठिन है। दूर दूर से उनके और मित्र भी आए हैं। उनकी भीड़ के मारे मंदिर में प्रवेश हो पाना बहुत ही कठिन है। आज की रात तो पेज पानी यानी नाले का फेनी पीकर बिताओ। कल अपने बंधु से मिलकर सारी बातें कहूँगा। बिचारी तो स्त्री तो बस इतना ही जानती थी कि यहाँ उसके पति के साथ कोई बहुत संपन्न मित्र हैं, उनसे मिलने पर बच्चों के प्राण बच जाएंगे। उसे धन दौलत नहीं चाहिए, तो 2 मुट्ठी अब अन्न बच्चों को मिल जाए तो अपने प्राणों की भी उसे चिंता नहीं। उस तीव्रता ने फूटी हड्डिया से उस नाले का फेनी बच्चों को पिलाया, जो स्वयं भगवान के चरणों का जल होता है, पीछे से जाता है, स्वयं पिया और अपने पति देव को पिलाकर। बंधु महांति के हृदय की दशा दूसरी ही थी। उनके मन में न धन की इच्छा थी न अन्न की थी। वे घर से अपने दीन बंधु के यहाँ पापी पेट के लिए भीख मांगने का विचार करके नहीं चले थे। वे सोचते आए थे कि प्रभु की कितनी दया है, मुझे तथा मेरी स्त्री एवं बच्चों को भी जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। देह भी छूटा तो पावन पुरुषोत्तम पुरी में छूटेगा, मरना तो सबको एक दिन है ही। भगवान विशंबर तो सब कहीं हैं, उन पर अविश्वास करके अन्य के लिए भला कौन दौड़ दर भटकेगा। नीलाचल आकर तो उनके दर्शन कर परम लाभ पाना है, ना तुमसे कहना क्या, तुम तो स्वयं सब जानते। मैं तो यही कहने आया हूँ कि मेरे मन में कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो। बंधु महांति के लिए उपवास किए हुए बच्चों तथा स्त्री के लिए हुए नाले का फेनी अमृत जान पड़ा था। वे उसे पीकर सो गए। जब श्री जगन्नाथ मंदिर में रात की सेवा समाप्त हो जाने पर मंदिर द्वार पर रस्सी बांधकर मुहर लगा दी गई, मसाले जल गई, सब लोग बाहर चले गए, सब द्वार बंद हो गए, सेवकगण सो गए, सब सो गए।
पर जिसका बंधु 5 दिन का रास्ता चलकर पेज नाले पर सापरवार पड़ा था, जिसकी बंधुता पर विश्वास करके वे इतनी दूर आया था, वे दीन बंधु भाई कैसे सो सकते थे? उन प्रभु के परम प्रभु के नेत्रों में नींद कहाँ? वे उठे, भंडार में आए और अपने रत्न थाल को 56 भोग प्रसाद से सजाकर एक ब्राह्मण के वेश में मंदिर के दक्षिण द्वार से बाहर आकर पुकारने लगे, बंधु ओ बंधु, पुरी की इस महानगरी में एक अपरिचित व्यक्ति बंधु मानते कोई पुकार सकता है, ये बात बंधु कैसे मान ले? उन्होंने मन में सोचा, इस जगन्नाथपुरी में और ना जाने कितने ही बंधु हो सकते हैं, अतः पुकार सुनकर भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया। अंत में जब पुकारने वाले ने याजपुरिया बंधु कहकर पुकारना प्रारंभ किया, तब हड़बड़ा कर दौड़े हुए द्वार के पास आए। ब्राह्मण ने स्वर में उलाना भरकर कहा, मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरे हाथ इस भारी थाल को उठाए उठाए दर्द करने लगे, पर तुम कैसे हो जो सुनते नहीं? लो इसे आज इतने से काम चलाओ, कल से तुम्हारे और रहने की भोजन की सब व्यवस्था हो जाएगी, कोई चिंता मत करो। बंधु मानतू तो मुख देखता रह गया। थाल ले लिया उसने, उसे एक शब्द बोलने का अवसर दिए बिना वे ब्राह्मण देवता मंदिर के अंदर चले गए। बंधु तो जड़ की भांति सन रह गया। बहुत देर में कुछ होश आया, तब मतवाले हाथी की भांति झूमता हुआ स्त्री पुस्तों के पास पहुंचा, सबको जगाया उसने, सबने महाप्रसाद पाया, स्त्री ने थाल धोया। बंधु उसे लौटाने गया तो देखा कि द्वार बंद है। थाल को अपने फटे चिथड़े में लपेट कर सेजी के नीचे रख कर मैं सो गया। प्रातःकाल भंडारी ने भंडार खोला तो उसके होश उड़ गए, सब वस्तुएं बिखरी पड़ी थी, भगवान के रत्न थाल का तो पता ही नहीं था। हल्ला मचा, लोग एकत्र हुए, इधर उधर दौड़ धूप करने लगे कि मंदिर में भंडार में चोरी हो गई और अंत में बंधु पकड़ा गया। कोतवाल के सामने पहुंचाए जाने पर उसने रात की सब बातें सच सच कह दी, परंतु उसकी बात पर कौन विश्वास करता? स्त्री बच्चों सहित हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर वह कारागार में बंद कर दिया गया। बंधु पर मार पड़ी थी, लोग उसे सब गालियां दे रहे थे कि भगवान के बर्तन चुराए, कारागार में बंदी का बंद कर दिया गया, किंतु इतने पर भी उससे दुख नहीं हुआ। वह कह रहा था, मेरे स्वामी तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, तुम ही बंधु, तो मैं तुम्हारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता हूँ, तुम्हारे सभी विधान मंगलमय हैं, मैं तो तुम्हारी प्रसन्नता में ही प्रसन्न हूँ, ये लोग आकर मुझे धिक्कारते हैं, गालियाँ देते हैं, ये सब दंड तो मेरे ही किसी पूर्व कृत पाप का फल है, तुम्हारी तो ये महान कृपा है कि मेरे पापों का फल भुगता कर मुझे शुद्ध कर रहे हो। नाथ तुम्ही एकमात्र मेरे शरण हो, मैं केवल तुम्हारी शरण में हूँ और मैं केवल तुम्ही को जानता हूँ। दिन भर बंधु मानती तो कारागार में बंद रहे, रात्रि हुई, पूरी नरेश महाराज प्रताप रूद खरदा नामक स्थान में अपने स्थान पर सो रहे थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि श्री जगन्नाथ जी बहुत ही क्रोधित होकर रुष्ट होकर कह रहे हैं, राजा मेरा भक्त 5 दिनों से भूखा प्यासा याजपुर से स्त्री बच्चों के साथ पैदल चलकर यहाँ आया, परंतु यहाँ तेरे किसी कर्मचारी ने उसकी बात भी नहीं पूछी, वह भूखा पड़ा रहा, तो मैं उसे अपने रत्न थाल में प्रसाद दे आया, रत्न थाल तो मेरा था, मैं अपने भक्त को दे आया, उसमें तेरा या और किसी का क्या, पर तेरे सेवकों ने उसे रत्न थाल के लिए पीटा, सच सच बता देने पर भी कारागार में बंद कर दिया, अब तेरा भला इसी में है कि इसी समय जाकर उसे बंदी घर से छोड़ और सम्मानपूर्वक मंदिर के हिसाब किताब के रक्षक के पद पर नियुक्त कर दे, उसका सारा प्रबंध अभी जाकर कर दे। भगवान के अंतर्ध्यान होती राजा की टूट गई। उसी समय घोड़े पर सवार होकर वे पूरी पहुंचे, स्वप्न की सभी बातें सच्ची थी। बंधु मानती की हथकड़ी बेड़ी खोलकर वे हाथ जोड़कर बोले, यहाँ के लोगों ने आपको जो कष्ट दिया है वह अपराध नहीं, उनका नहीं है। राजा साहब बोले, वह तो मेरा अपराध है, आप मुझे क्षमा करें। राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे, बंधु को बड़ा संकोच हुआ।
उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। सम्मान पूर्वक राजा उन्हें अंदर ले गए। तीर्थ जल से स्नान कर उन्हें वस्त्राभूषण पहनाया। उनकी स्त्री तथा बच्चों का भी बड़ा सत्कार किया। मंदिर के दक्षिण की ओर उनके रहने का प्रबंध कर दिया। अब बंधु मानती श्री जगन्नाथ मंदिर के हिसाब रक्षक पद पर नियुक्त हुए। सदा के लिए प्रसाद की लिखित सनद उन्हें प्राप्त हुई। इतना करके तब राजा ने जाकर मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। बंधु अब श्री जगन्नाथपुरी में ही रहने लगे। दीन बंधु की कृपा से वे महापुरुष हो गए। श्री जगन्नाथ जी के आय व्यय का हिसाब अब तक श्री बंधु महंती के पंसद जी करते चले आते। भक्तों, ये बिल्कुल सत्य कथा है और ये कथा जब सुनो तो हमें भगवान की कृपा के ऊपर बहुत ही विश्वास होता कि भगवान हमारी कितनी देखभाल करते हैं। एक बार उनके शरण होके, एक बार उनके होके, उन पर विश्वास करके उनकी शरण ले लीजिए, भगवान हमारे सारे कष्ट दुख दूर करेंगे। ऐसे हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ कृष्ण भगवान। बोलिए भक्तों, जय श्री कृष्ण।